खरगोन जिले में हिंदू जागरण मंच ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब में विवादास्पद चैप्टर को लेकर आक्रोश जताया और FIR दर्ज करने की मांग को लेकर पुतला फूंका। बता दें कि सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या में द सेफन स्काई नाम से एक चैप्टर में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों ISIS और बोको हराम जैसे कट्टरपंथी समूहों से की है। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू परंपरा को किनारे लगा रहा है। इस बात से गुस्सा हिंदू संगठन ने मोर्चा खोला और सलमान खुर्शीद के खिलाफ केस दर्ज करके पुस्तक को बैन करने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के द्वारा अभी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया। उस पुस्तक में सन स्काई नाम के एक चैप्टर में आज उन्होंने लिखा है कि हिंदूवादी संगठनों की तुलना ISI एवं कट्टरपंथी बराक हराम करके ऐसे आतंकी संगठनों के माध्यम से की है, जिसके विरोध स्वरूप आज हिंदू जागरण मंच की तरफ से हमने पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। हम साथ ही महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन के माध्यम से कि सलमान खुर्शीद द्वारा जो हिंदूवादी संगठनों की तुलना एक ऐसे कट्टरपंथी इस्लामिक ISI संगठन से की है, जिससे हम उनकी मानसिकता उजागर का दोष सिद्ध होता है, साथ ही उनकी पुस्तक को पूरे देश में बैन किया जाए और साथ में उन पे FIR दर्ज की जाए। क्या नाम है आपका? मैं हितेंद्र सिंह चौहान, हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष खरगोन। खरगोन से ब्यूरो चीफ सलाम अंसारी की रिपोर्ट।